सिर्फ 900 रुपए में मैं पहुंच गया हूं दोस्तों सिलारी गांव। यह बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, पीछे देखिए बादल है और ये ब्यूटीफुल होम स्टे। 900 रुपए में कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा ये अगर जानना चाहते हो वीडियो को एकदम पहले से देखो, बिगिनिंग से देखो। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कैसे आपको ये खूबसूरत सा ऑर्बिट हिल स्टेशन में ट्रेवलिंग का पॉसिबल है। अगर आपका दिल चाहते आप आ सकते हो सिर्फ 900 रुपए में, ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 900 रुपीज पे करो एंड एंजॉय सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो ये सस्ता ऑर्बिट ट्रेवल डेस्टिनेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं पहले से स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया है। तो गाइज अगर आप टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपका तो काम आएगा ही आएगा। तो कैसे होटल बुकिंग होगा, कैसे आओगे, कैसे कार्ड आप रेंट पे लोगे, कैसे आपको ऐसी इस जगह पे जाने के लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स भर भर के मैंने डाला है इस वीडियो में। सो गाइज तो टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो को पहले से देखो और पूरा इन्फॉर्मेशन जान लो। इस बार दोस्तों मैं जा रहा हूँ घूमने सिक्किम। सिक्किम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक राज्य और मैं जा रहा हूँ इस ट्रेन से। ये है दार्जिलिंग मेल और अभी टाइम है रात को 10 बजने को है और ट्रेन का टाइम है 10:05 लगभग। तो सिक्किम आप कैसे पहुँच सकते हो, सिक्किम जाने में कितना खर्चा पड़ता है, सबसे ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे कौन सा है, कौन से रूम में आप रह सकते हो, होटल बुकिंग, पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये हो रहा है सिक्किम ट्रिप के टोटल कंप्लीट पैकेज। एक्चुअली गाइस सिक्किम का है चार पार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो किस टाइम में, किस समय में, कौन से पार्ट में जाओगे और एक साथ में अगर सभी जगह में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहूँगा। और खर्चे के बारे में जब बोल रहा हूँ, मैं जाता जाऊँगा, खर्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप सिक्किम टूर करने का प्लान कर रहे हो तो गाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में जो स्टेप मैं बोलने जा रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो आप आसानी से सिक्किम घूम के आ सकते हो। सो इस ट्रेन का टाइम है रात को 10:05 और ये छोड़ रहा है कोलकाता का शियालदा स्टेशन से। तो सिक्किम जाने के लिए आपको डायरेक्टली कोई ट्रेन नहीं मिलेगा, सिक्किम जाने के लिए आपको ट्रेन मिलता है न्यू जलपाईगुड़ी और एनजीपी। वहाँ से आपको लेना पड़ता है शेयर टैक्सी, बस, कैब और आप बस से भी जा सकते हो। तो पहुँचूँगा सुबह, लगभग 12 से 13 घंटा लगता है अप्रॉक्सीमेटली। तो सुबह के 10 रात को 10 बजे है और सुबह 8 बजे अराउंड में पहुँच जाऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शियालदा टू न्यू जलपाईगुड़ी, राइट। तो ये दार्जिलिंग मेल है बट अभी इसको स्पेशल ट्रेन बोला जा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रेन का शेड्यूल इधर उधर हो रहा है। तो दार्जिलिंग स्पेशल ट्रेन है। तो इस ट्रेन का जो किराया मेरा भाड़ा पारा दैट इज़ अराउंड 450 रुपये में कोलकाता टू न्यू जलपाईगुड़ी मैं पहुंचने वाला हूँ। ये पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। तो चलिए अभी देखते हैं अंदर का सीन क्या है। अंदर का सीन मतलब यहाँ का जो बर्थ है, मैं बुक किया नॉन एसी क्योंकि अभी भाई सही जनवरी का महीना है तो ठंड है तो एसी लेने का सवाल नहीं और मैं ठहरा बजट ट्रेवलर तो मैं तो ज़्यादा खर्चे में तो बिलीव ही नहीं करता हूँ। सो फ्रेंड्स तो 450 का ट्रेन टिकट और अंदर का सीन क्या है, बाथरूम का कंडीशन क्या है, हाइजीन कैसा है, बर्थ कैसे, सोने का जगह कैसा है, पूरी इन्फॉर्मेशन चलिए अंदर जाके आपको दिखाते हैं। सो ये एग्जैक्टली सीटिंग अरेंजमेंट, ये बर्थ इज ओवर हियर। सो इस बार सबसे खास चीज़ है मैं जा रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ, माई मॉम इज़ ऑल्सो गोइंग देयर। सो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाइजीन बहुत ही साफ सुथरा है। ये सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, बहुत ही साफ सुथरा एक नया वाला कमरा है। पहले मैं सिक्किम गया था ऐसे जो नॉन एसी थ्री टायर वाला जो कमरा होता है, बट बिलीव मी उसका कंडीशन इतना डर्टी होता था, इतना चारों तरफ कूड़े, इतना चारों तरफ इतना गंदगी होता था ना पूछिए मत, बट क्वाइट गुड। ये स्पेशल ट्रेन है, क्वाइट गुड, देख सकते हो यहाँ पर पूरा नया नया स्विच मुइच मिरर लगा हुआ है और ऐसा ही टोल्ड यू दैट इज सिर्फ 450 अराउंड इसका टिकट है। तो चलिए आगे चलते, आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जितना जाऊँगा कैसे जाऊँगा वो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जर्नी को शुरू करते हैं। सो जनाब फाइनली हम लोग का जर्नी शुरू हो चुका है शियालदा स्टेशन को छोड़ के, ये दार्जिलिंग मेल उसका जो इंजिन शुरू करके हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। सो दिस इज़ अवर जर्नी गाइस। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया
मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जाकर सोना है, उसके बाद सुबह को उठने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा पहाड़ों का देश नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रात का खाना कंप्लीट करके थोड़ा सा चील मार रहे हैं, तो गाइज एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, लुक एट द मिरर। अगर स्लीपर में अगर जाओगे इतना कम जस्ट लाइक स्लीपर में तो इतना नीट एंड क्लीन नहीं मिलता है। जस्ट लुक एट द मिरर कितना साफ सुथरा है और पूरा एकदम नया नया चकाचक पेंट लगाया गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको मैं वॉशरूम का सीन भी दिखाता हूँ। सो ये है वॉशरूम, एकदम देखिए एकदम नया वाला नीट एंड क्लीन एकदम वॉशरूम है। हैंड वॉश का भी एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और एकदम मिरर झकाझक क्लीन है। सो दैट इज़ क्वाइट, सफाई के जो लोग वो भी नीट एंड क्लीन साफ सफाई कर रहे हैं एंड क्वाइट हाइजीन इट इज़ नो। डिनर करने के बाद मैं मेरा बैग को एकदम पीलो बना के मैं सो चुका हूँ। एज यू कैन सी दैट इज़ रात को ऑलरेडी लगभग 12 बज चुके हैं। अभी एक बहुत ही बढ़िया सा नींद और सुबह उठने के बाद NGP टू सिक्किम एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी में मैं शामिल होने वाला हूँ। सो गाइस रात के लिए गुड नाइट, तो चलिए मिलते हैं सुबह को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं और ट्रेन यहाँ पर एक हॉल्ट है किशनगंज स्टेशन में। तो अभी थोड़ा सा बाहर आकर थोड़ा सा चिल मार रहा हूँ, देख रहा हूँ आसपास का सीन और देखो इतना बाहर में फॉग है और ट्रेन इतना स्लो जा रहा है। फॉग दैट यहाँ पर मेरा जस्ट लाइक बर्थ था। नींद तो सुबह 6 बजे टूट चुका था, उसके बाद सोचा था बाहर का सीन देखना है, एक्सप्लोर करने, बट देर इज़ नो स्कोप टू डू दैट बिकॉज खिड़की के बाहर कुछ भी लिटरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ट्रेन भी बहुत ही स्लो चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रीचिंग टाइम तो अराउंड 8 बजे 8:30 बजे, बट इट विल बी अराउंड 1 से 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लेट होने को है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। सो अभी टाइम टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। तो चलिए अभी उतरना है। वेदर का कंडीशन एकदम देखो पूरा एकदम विजिबिलिटी बहुत कम है। ओके इधर मुझको जाना है और अभी सिक्किम जाने के लिए और क्या मिलता है वो भी देखना है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. मैं इस बार कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑफबीट ट्रैवल इन सिक्किम। एक्चुअली गाइस सिक्किम को 4 मेन डिस्ट्रिक्ट में भाग किया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, पर मेरा ये ट्रिप है इन द ईस्ट सिक्किम। तो ईस्ट सिक्किम का जो सबसे क्या बोलूँ जैसे फेमस डेस्टिनेशन है दैट इज़ द गैंगटॉक। ईस्ट सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटॉक पूरा राज्य का ही कैपिटल है ऑल्सो, तो गैंगटॉक। बट मुझको गैंगटॉक नहीं जाना है इस बार, क्योंकि गैंगटॉक पहले भी मैं आ चुका था वंस अपॉन ए टाइम जैसे 4-5 साल पहले। तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ऑफ बीट ट्रैवल। ऑफ बीट ट्रैवल का मतलब कुछ ऐसा डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन लोग थोड़ा सा कम जाते हैं बट बहुत यूनिक होता है। एंड ईस्ट सिक्किम का वो जो जगह दैट इज़ द जुलूक साइड में मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो रहा है। मैं आने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था, जुलूक थोड़ा सा ऑफबीट है और जुलूक के साइड में बहुत ऐसे जगह है। कैसे आप थोड़ा सा ऑफबीट ट्रेवल कर सकते हो सिक्किम पे, कैसे जाओगे, वही इस वीडियो का मेन मोटो है टू शो यू वर्क। आपको तो दिखाता हूँ, दिस इज़ द सीन ऑफ द आउटसाइड ऑफ NGP स्टेशन राइट। ये सब शेयर टैक्सी कैब्स ऑल दीज आर देयर। सबसे खूबसूरत चीज़ दिस इज़ द एंटीक इंजिन। तो यहाँ से आप ले सकते हो, कहीं भी जाने के लिए आपको मिल जाएगा टैक्सी सो भैया, लोकल टैक्सी, सिक्किम जाने के लिए टैक्सी, दार्जिलिंग जाने के लिए टैक्सी। सो दिस इज़ द एंटीक सॉरी इंजिन है। तो यहाँ से मुझको लेना है जुलूक जाने के लिए मुझको लेना है कैब। तो कैब का कितना खर्चा आएगा वो मुझे अभी तक पता नहीं। चलिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछ लेते हैं आसपास के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पूछकर जुलूक जाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या मीडियम से वो भी आपको बताते हैं।
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. मेरा डेस्टिनेशन है सिक्किम का जुलुक, एक ऑब्वियस डेस्टिनेशन है, बट जुलुक जाने के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे टैक्सी और कैब नहीं मिल सकता है जुलुक जाने के लिए, राइट? डायरेक्टली जाना बहुत डिफिकल्ट है, जा सकते हो पर लगभग 7 से 8 घंटा लग जाता है अगर लगातार गाड़ी चलाओगे। तो हम लोग का जो ये जो हम लोग का ड्राइवर भाई साहब है देव साहब, तो इसने एडवाइस किया हम लोग को आज रुकना चाहिए सिलाड़ी गाँव, राइट? सिलाड़ी गाँव ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में, इन वेस्ट बंगाल कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो भैया एक चीज़ बोलो, कालिम्पोंग जाने के लिए अगर हम लोग सिलाड़ी गाँव जाना है तो कालिम्पोंग जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? कालिम्पोंग मीन्स डायरेक्टली हम लोग कैब तो नहीं मिलेगा, कालिम्पोंग जाने के लिए डायरेक्टली कैब मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो अच्छा शेयरिंग कैब कितना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली? शेयरिंग का एक का 300-350 करके होगा। 300-350 अच्छा 300-350 शेयरिंग में। अगर डायरेक्टली बुक करके जाए कालिम्पोंग, डायरेक्टली बुक करके जाएंगे तो ऐसे पड़ेगा 3,000-3,500 रुपये। ओके, डायरेक्टली 3,000 से 3,500 कालिम्पोंग। कालिम्पोंग अच्छा अच्छा। और बस भी तो जाता है? बस बस हाँ, बस जाता है, बस का उतना आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा अच्छा, बस का थोड़ा सा कम ही होगा। हाँ थोड़ा सा कम ही होगा, 200 के अंदर ही शायद होगा। हाँ ऐसे हो सकता है, बस का होगा। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे एक दिन आपको सिलाड़ी गाँव स्टे करके वहाँ से आप निकल जाओ जुलुक, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं जुलुक और दूसरी जगह। तो कालिम्पोंग है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर यहाँ से सिलीगुड़ी से कितना टाइम लगता है सिलाड़ी गाँव जाने के लिए? सिलाड़ी गाँव के लिए 4 से 4.5 घंटा लगता है। 4 से 4.5 घंटा होमस्टे तो मिल जाता है वहाँ पर ना? हाँ होमस्टे बराबर मिलेगा। ओके होमस्टे मिलेगा। और जगह कैसा, खूबसूरत है? हाँ खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह। सो गाइस सिलाड़ी गाँव एक खूबसूरत जगह है, तो जुलुक जाने के टाइम में सिलाड़ी गाँव एक्सप्लोर कर लो एक दिन वहाँ पर होमस्टे में, सस्ते कोई होमस्टे में और एज पर योर बजट होमस्टे में आप रुक जाओ, और उसके बाद वहाँ से आप डायरेक्टली चले जाओ जुलुक, राइट? और जुलुक में तो और भी साइट सीन्स है, जुलुक में साइट सीन्स है जुलुक में, थोड़ा सा ऑफबीट भी ट्रैवल हो जाएगा, ऑफबीट ट्रैवल। हाँ अच्छा अच्छा। सो ये तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, रेट मेट कैसा मिलता है, ऑफकोर्स ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे का भी सीन का आपको दिखाएंगे, आगे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं देव साहब से, जो हम लोगों को पूरा गाइड कर रहे हैं ये पूरा सिक्किम टूर। सो देव साहब, सिक्किम का तो 4 पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, 4 पार्ट है। तो सबसे खूबसूरत जगह कौन सा है? सबसे खूबसूरत जगह तो है आपका स्पेशली में नॉर्थ आ जाता है, नॉर्थ में हाँ जी, उसका बाद में और ईस्ट और वेस्ट बराबर है, बराबर है, बराबर है। अच्छा नॉर्थ तो नॉर्थ सिक्किम में तो महीने में हर वक्त ओपन नहीं रहता, नॉर्थ नहीं रहता है। कौन सा टाइम में नॉर्थ सिक्किम जा सकते हैं? नॉर्थ सिक्किम अभी जा सकता है लेकिन बंद होता है, अभी बर्फ उतना नहीं हो रहा है इसलिए। तो बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम क्या होता है? बेस्ट टाइम है आप लोग का नवंबर और मार्च, नवंबर से मार्च। हाँ लेकिन जनवरी और दिसंबर 2 महीना में थोड़ा बंद रहता है, बर्फ का वजह से उतना गाड़ी घोड़े नहीं जा पाता। और परमिशन भी तो लग सकता, परमिट भी नहीं मिलता है। परमिट में, परमिट के लिए कितना खर्चा पड़ता है नॉर्थ सिक्किम में? नॉर्थ सिक्किम का तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नॉर्थ टूर नहीं करा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा,
ओके ओके, तो अभी इस ट्रिप हम लोग कर रहे हैं इस सिक्किम में कर रहे हैं इस सिक्किम, इस सिक्किम को दो पार्ट है कि गैंगटॉक साइड है कि जुलुक साइड। हां जुलुक साइड, जुलुक साइड। ओके, जो गैंगटॉक है वो ज्यादा भीड़भाड़ वाला, ज्यादा टूरिस्ट लोग ज्यादा जाते हैं। हां ज्यादा जाते हैं तो गैंगटॉक सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं, बट मैं गैंगटॉक पहले भी घूम के आया, तो गैंगटॉक इस बार मैं नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा ऑफबीट ट्रैवल कर रहा हूं जुलुक में। तो जुलुक भी खूबसूरत जगह है, राइट? बहुत खूबसूरत जगह है जुलुक में। फर्स्ट आवर आप लोग का आएगा जिगजैग रोड, उसका बाद में थंबी व्यू पॉइंट आएगा। थंबी व्यू पॉइंट से आप लोग का कंचनजंगा पूरा क्लियर दिखाई देता है। अच्छा। उसका बाद में जा करके उसमें जिगजैग रोड उसी में आ जाता है। उसका बाद में जा करके नाथंग वैली। अच्छा। उसका बाद में ओल्ड बाबा मंदिर। ओके। ओल्ड बाबा मंदिर हो करके जाएंगे आप लोग का कुबुक एलिफेंट लेक। ओके ओके, लास्ट पॉइंट तक वही है। ये टोटल कितना दिन का टूर होता है? ये टूर होता है आप लोग का उसके लिए दो दिन के होता है, दो दिन का जुलुक। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई अगर आ रहा है आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, कैसे कांटेक्ट करेगा? सपोज मान लीजिए मेरा वीडियो देखकर अगर आपके से कोई अगर जुलुक घूमना चाहता है, ऑफबीट, क्योंकि ऑफबीट का ये सब जगह यूजुअली गैंगटॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है, मिल जाता है, पर जुलुक के बारे में ये जगह का जो कम जाता है, इन्फॉर्मेशन भी कम है। अगर कोई आपके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा? मेरा खुद कॉन्टेक्ट में कॉल करने से। अच्छा, आपका नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर 7490752 13, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कांटेक्ट करके। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियरली बोल देता हूँ, फिर नंबर तो दिखा ली, मैं अच्छी तरह से बोल देता हूँ। ओके, देखो नंबर, अगर देव साहब का नंबर चाहिए तो 9749079047512 13। क्लियरली मैंने बोल दिया, मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, देव साहब से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके आने से आप लोग का जो टूर है हम लोग अरेंज करके हम लोग आप लोग का अच्छे से घुमा देते हैं। अच्छा, दैट्स राइट। अच्छा, जुलुक में सब तो होटल से ज्यादा तो होम स्टे ही वहां पर ज्यादा मिलता है। हां, होम स्टे ज्यादा मिलता है। होम स्टे का खर्चा वर्चा कितना होता है? होम स्टे का खर्चा आप लोग का आ जाएगा मोटा मोटी दो जन के लिए हो जाएगा, था एक रूम में आप लोग का 1500 के आसपास में हो जाता है। लेकिन दूसरा मजा भी है होम स्टे में, जो खुद ही आप लोग बना के जाके खुद ही पका सकता है। ऐसा होटल का जैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देव साहब के बारे में देखो, आने जाने के खर्चा भी तो रीजनेबल है, कालिंगपोंग तक आ जाओ, साढ़े तीन सौ रुपए में, वहां से कोई कैब ले लो, 1500 रुपए में कैब ले लो, पहुंच जाओ वहां पर। डायरेक्टली भी ले सकते, डायरेक्ट भी तीन से साढ़े तीन हजार रुपए पड़ेगा, डायरेक्ट अगर जुलुक जाना चाहते हो। तो ये भी आपका, अगर देव साहब देव भाई से अगर कॉन्टेक्ट कर लो तो अलग बात है, अगर कोई सोलो ट्रिप कर रहे हो अलग से करना चाहते हो, अकेले करना चाहते हो, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू विश। ओके, फाइन। तो ये इस सिम का पूरा टूर है। अच्छा, जुलुक खत्म करने के बाद हम लोग तो कोई अगर चाहे तो गैंगटॉक भी जा सकते हैं। हाँ, गैंगटॉक से भी जुलुक में आ सकते हैं। आ सकता है। अच्छा, गैंगटॉक जुलुक आ सकता है, उसे रोड है वहाँ पर ना? रोड है, वही एक ही रोड है, मेन रोड एक ही पड़ता है। अच्छा, तो रोड एक ही पड़ता है, बट मैं पहले गैंगटॉक गया था इसलिए गैंगटॉक साइड में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो भाई ये टोटल इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर भी दे दिया, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको काम लाएगा अगर आप ऑफबीट ट्रैवल सिक्किम में करना चाहते हो खास करके। ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए दोस्तों, ये तीस्ता नदी बह रहा है और कैसा ब्यूटीफुल खूबसूरत सा ये पहाड़ों का रेंज है। और अभी तक जो मेरा खर्चा हुआ है, टोटल डिटेल्स भी आपको देना है, तो ये पूरा ऑफबीट ट्रैवल मैं इस टाइम कर रहा हूँ। सिक्किम में लोग तो गैंगटॉक जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं, पर सिलाड़ी गाँव एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है। जुलुक का जो साइड रेंज है एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है। तो जैसा आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने बोला था जुलुक जाने के लिए डायरेक्टली जा सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। उसके बीच में कालिंगपोंग के जो सिलाड़ी गांव है उसमें हम लोग थोड़ा सा रुक रहे हैं। तो अभी तक जो खर्चा हुआ है वो थोड़ा सा डिटेल्स आपको मैं दे देता हूँ। पहला है ट्रेन का जो भाड़ा, दैट वॉज अराउंड 450, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस, 450 का टिकट ट्रेन का भाड़ा। और दूसरा जो कालिंगपोंग सिलाड़ी गांव जाने के लिए शेयर में जो मैंने हम लोगों ने कैब लिया, दैट इज़ 350 रुपये ईच, 350 रुपीज़। सो अभी तक खर्चा हुआ 450,
प्लस 350। तो बाकी खर्चा कितना हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी पता नहीं, जाते जाते आपको और भी खर्चे का डिटेल्स देते रहेंगे। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए और हम लोग के साथ जर्नी के एकदम एंड तक आप लोग रहना। अगर आप थोड़ा सा और भी ट्रेवल करना चाहते हो सिक्किम में, अलग सा कुछ देखना चाहते हो सिक्किम में, तो भाई ये टोटल जो सीरीज सिक्किम का होने वाला है आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ ये पैसा वसूल। अगर नेक्स्ट टाइम आप सिक्किम आओगे तो ये सब आप भी एक्सप्लोर कर ही सकते हो। तो चलिए, आप बहुत ही भूख लग चुका है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी कुछ खाना वाना है, सो लेट्स गो, लेट्स हैव सम फूड। यहाँ पर एक रास्ते में आपको ऐसे बहुत ऐसे जगह मिल जाएगा जहाँ पर आप जस्ट लाइक बैठ कर आप खाना खा सकते हो, लोकल फूड एज पर यू रिकमेंड मिल जाएगा, नूडल्स, कुछ फ्राइज, मोमो, थुप्पा, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में, और चाय भी मिल सकता है। देखो बहुत कुछ यहाँ पर है, सो देखते हैं अगर दाम क्या है और थोड़ा सा पेट पूजा भी यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मोमो कैसे बना रहे हैं, ये भेज मोमो है ना आंटी, भेज मोमो, इसमें क्या क्या दिया है आपने, इसमें अंदर? कोपी, प्याज, गाजर और अदरक। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली सिक्किम और दार्जिलिंग ये सब जगह मोमो के लिए फेमस ज्यादा होता है। ओके, तो आपका कौन सा ज्यादा चलता है, भेज मोमो और चिकन मोमो? दोनों चलता है, चिकन भी ज्यादा चलता है। चिकन चलता है ना, अच्छा अच्छा फाइन। और यहाँ पर क्या मिलते हैं आपके दुकान में? थुप्पा। थुप्पा जो फेमस फूड है। सो गाइज थैंक यू, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का सुबह का खाना हो गया, तो मेरा 150 टोटल हम लोग का हुआ, लगभग 300 रुपये का जस्ट लाइक बिल, बहुत रीजनेबल है। मैगी का दाम है 30 रुपये, मोमो का दाम है 30 रुपये, 40 रुपये अप्रोक्सीमेटली, थुप्पा का भी दाम है, थुप्पा एक अलग सा चाउमिन टाइप ऑफ फूड है, उसका भी दाम है 40 रुपये, 40 रुपीज़ अराउंड। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली खाना है अगर स्ट्रीट फूड अगर खाओगे इस एरिया में। और देखो इतना खूबसूरत पीछे लोकेशन, इसको देखते हुए, इसको एक्सप्लोर करते हुए गाइस आप यहाँ पर बैठे एकदम नदी के एकदम सामने बैठते हुए ये खाना एंजॉय करना एक अलग सा ही मजा होता है यहाँ पर। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And so friends, अभी कालिंपोंग जाने के, देखो welcome to कालिंपोंग लिखा हुआ है। कालिंपोंग जाने के जो रास्ते है उस साइड में हम लोग निकल पड़े हैं। एग्जैक्टली एक जगह पे आकर दो मोड़, एक जा रहा है सरा डिडिकली सिक्किम और ये जा रहा है कालिंपोंग, हम लोग कालिंपोंग के तरह टर्न ले लिया है। ये पहाड़ के ऊपर डिडिकली हम लोग देख सकते हो पूरा, अरे बाप रे, पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट ऊपर चल रहे हैं हम लोग, एंड बहुत ही एडवेंचरस। यहाँ पर बहुत बाइकर्स लोग भी आते हैं बुलेट लेकर, एकदम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बाइक लेकर फॉर डूइंग द एडवेंचर्स। आज बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं भाई। सो फ्रेंड्स, कालिंपोंग टाउन हम लोग पहुंच चुके हैं, ये कालिंपोंग सिटी, और कालिंपोंग हम लोग का डेस्टिनेशन नहीं है, कालिंपोंग से हम लोग जाएंगे सिलेड़ी गाँव। वाह क्या खूबसूरत बाइक है। तो ये कालिंपोंग शहर, ओके, ये बहुत ही, ये कालिंपोंग बंगाल के अंदर भी है, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। यहाँ पर बहुत स्कूल्स है, कॉलेजेस है, दूर दूर से बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं शहर में। एकदम पहाड़ों के बीच में है ये खूबसूरत सा शहर कालिंपोंग, एंड दिस इज द कालिंपोंग सिटी। दोस्तों ये पूरा एक ऑफबीट ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो मेन रास्ते को छोड़कर आप देखिए एकदम अलग एक ऐसा रास्ता जहाँ पर रास्ता ही कुछ नहीं है। तो देखो जस्ट लुक एट द पूरा सीन, ये है एग्जैक्टली ऑफबीट एडवेंचर का मज़ा। एकदम पहाड़ के बीच में, पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता, ये कम्प्लीटली एक कच्चा रास्ता है और इससे बीच से हम लोग जा रहे हैं। ज़बरदस्त ठंड है और देख सकते हो यहाँ पर पूरा फॉगी वेदर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑफबीट ट्रेवलिंग इन सिक्किम और इन वेस्ट बंगाल। ये कालिंपोंग में एग्जैक्टली कालिंपोंग लोकेशन है, कल हम लोग पहुँचेंगे सिक्किम। देखिए ऊपर देखिए कितना खूबसूरत सा सीन है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अलग लगता है,
बहुत ही अलग लग रहा है, एकदम जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे एकदम अलग, सुनसान एकदम होम स्टे में रहना है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स सामने देखिए, लुक एट द ब्यूटिफुल, ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर भाई अगर नहीं रुकता तो नेचर को कैसे एक्सप्लोर करता। इधर पे पूरा है खाई, ओके, पूरा क्लाउड भी यहाँ तक नहीं पहुँचा, नीचे है क्लाउड, ओके, और सामने देखिए, पीछे देखिए, सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक कालिंपोंग से सीधे आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा ऑब्बी ट्रेवल का एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ। ये एकदम सुनसान जगह है, कोई भी नहीं है, नो वन इज हेयर, नो वन इज हेयर, राइट, सिर्फ आप लोग हो, मैं हूँ, और ये खूबसूरत सा नज़ारा, जस्ट लुक एट द सीन, वाओ वाओ जस्ट वाओ जस्ट वाओ मैन जस्ट वाओ, फीलिंग डैम एक्साइटेड, फीलिंग डैम एक्साइटेड, वाओ। थोड़ा सा यहाँ पर सांस भी फूल रहा है, पर फीलिंग डैम एक्साइटेड। एटलास्ट दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं सिलाडीगांव मेरे ये होम स्टे में। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ कितना खर्चा पड़ा सिलाडीगांव आने के लिए, और आसपास का नज़ारा देखिए, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो सिलाडीगांव एग्जैक्टली ये थोड़ा सा नियर है सिक्किम बॉर्डर का, राइट, और एकदम बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, एकदम ऑब्वियस ट्रैवलर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मेरा खर्चा कितना पड़ा चलिए वन ऑफ टाउन कैलकुलेट करके बोल देता हूँ। कोलकाता टू NGP मेरा टिकट का भाड़ा पड़ा 450, ओके। NGP टू कालिंपोंग अगर शेयर्ड कैब से आओगे 350 पर हेड लेगा। कालिंपोंग शहर से ये सिलाडीगांव आने के लिए आपको दूसरा कैब लेना पड़ेगा, अगर आप सिंगल करोगे 1000 रुपये लेगा, पर हम लोग ग्रुप में 5 जने आए थे इसलिए हम लोग का वहाँ से हम लोग जस्ट लाइक कैब ले लिया था 100-100 रुपये एक्स्ट्रा देकर हम लोग चलाया। तो टिकट का भाड़ा पड़ा 450 और इस गाड़ी का भाड़ा पड़ा 450, टोटल ईच हेड पर हेड, तो हम लोग का टोटल खर्चा पड़ा मेरा 900 सिर्फ। सो गाइस सच अ ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल होम स्टे और ब्यूटीफुल इस लोकेशन में मैं पहुंच गया सिर्फ 900 रुपये में, और बीच में मैं कितना 30-40 रुपये का थोड़ा सा मैं खाना पीना किया था। तो लेट मी शो यू, इतना कम खर्चे में भी आप ऑर्बिट ट्रेवल कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। और ये होम स्टे का टोटल एक रिव्यू मैं अलग से करने वाला हूँ, उसका नंबर मैं आपको देना वाला हूँ होम स्टे का, आपका मैं एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सब रूम हम लोग का ही रूम है, दिस इज़ आवर रूम ओवर हियर। तो इस होम स्टे का नाम है, इस होम स्टे का नाम है बिनॉय होम स्टे, बिनॉय होम स्टे, राइट, बिनॉय होम स्टे, एकदम पहाड़ के ऊपर हैंगिंग है, ये है बिनॉय होम स्टे। रूम के अंदर का रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो भाई अगर आप भी ट्रैवलिंग का पैशन हो, सिक्किम जा रहे हो घूमने के लिए, एक्सप्लोर कर सिक्किम जाओ, दार्जिलिंग जाओ, कहीं भी जाओ, सिलाडीगांव को तो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आप भी ट्रैवलर के लिए जन्नत है। तो कम खर्चे में यहाँ तक पहुँच गया, रास्ते में खाना खाया था 30-40 रुपये का, स्ट्रीट फूड मोमो खा कर पेट भर चुका था, अभी हम लोग का लिए लंच इंतज़ार कर रहा है। तो होप सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया कैसे कम खर्चे में आप सिक्किम टूर, दार्जिलिंग टूर, ये सब कर सकते हो, सिलाडी को पोस्ट सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके उसको भी थोड़ा सा हेल्प करना मत भूलिएगा। सो आपको दिखाऊं कितना खूबसूरत है, एकदम पहाड़ों के बीच में छोटा सा गाँव, यहाँ पर देखो सामने है पूरा आसमान में एकदम पूरा फॉग है, ठीक है, पूरा फॉग है, उसके पीछे पहाड़, यहाँ पर है पूरा पहाड़, पाइन ट्री है, और ये छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव है सिलाडीगांव, ओके, स्पेलिंग है SILLERY गांव, GAON गांव, राइट, और ये हम लोग का होम स्टे। तो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर ये खूबसूरत सा होम स्टे से व्लॉग पेपर खत्म करते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये पूरा एक सीरीज होने वाला है ऑब्बी ट्रेवल सिक्किम का। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड, एक्साइटिंग व्लॉग।